हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास इफ़ एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी एन एनालिटिक फंक्शन। कोई एनालिटिक फंक्शन है देन यू एंड बी जो होंगे वो हार्मोनिक फंक्शन होंगे, ये हमें पढ़ेंगे। तो पहले हम हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन होता है एनी फंक्शन विद सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। यानी कोई फंक्शन जो है अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उस कंडीशन में वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। अब फ्रेंड्स थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम क्या है हमारे पास, इफ एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी इज एन एनालिटिक फंक्शन देन यू एंड बी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। तो ये हमें पढ़ना है, प्रूफ करते हैं इसको किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी बी एन एनालिटिक फंक्शन। यानी एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी एन एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास। तो उस कंडीशन में हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सीआर इक्वेशन क्या होती है फ्रेंड्स हमारे पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। यानी ये सीआर इक्वेशन होती है, उन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब फ्रेंड्स इक्वेशन फर्स्ट को हमने विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया, तो इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल बाई डेल एक्स। यानी कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल बाई डेल एक्स। अब इसी को इसको हमने विद रेस्पेक्ट टू बाई डिफ्रेंशिएट किया तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो ये आ गया डेल एक्स डेल वाई। ये हमारे पास इक्वेशन थ्री एंड फोर इस तरह से आ चुकी है। तो अब इक्वेशन थ्री एंड फोर को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो इक्वेशन थ्री और फोर को ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल बाई डेल एक्स डेल वाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल बाई डेल एक्स बराबर डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। यानी कि अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें किसी फंक्शन को, अगर हमने एक्स पहले एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया हुआ फिर वाई के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया है, अगर उसको हम पहले हम वाई के रेस्पेक्ट कर दें फिर एक्स के रेस्पेक्ट कर दें तो जो आंसर होता है वो सेम होता है। तो इस प्रॉपर्टी का हमने यूज करके इन दोनों को बराबर रख दिया। तो ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पर चूंकि माइनस का साइन है तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जो कि लाप्लास इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यू और जो वी है वो हार्मोनिक फंक्शन है। तो यहाँ से U एंड V बोथ हार्मोनिक, ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।